कोरबा में कपड़ा गोदाम से चोरी करने वाले नाबालिग सहित दो आरोपी आए पुलिस की गिरफ्त में। शहर में लगातार चोरी व आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है। 23 अगस्त को मोहम्मद अमीन मेमन ने सिटी कोतवाली थाना आकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के अनुसार राखी का त्यौहार के कारण इतवारी बाजार कोरबा में स्थित पंजाबी गुरुद्वारा के सामने कपड़ा गोदाम को बंद करके रखा था। 23 अगस्त सोमवार सुबह लगभग 9 बजे मोहम्मद अमीन मेमन ने अपना कपड़ा गोदाम खोला तो देखा कि रात में अज्ञात चोरों ने गोदाम से लगभग 50,000 रुपए कीमती कपड़े को चोरी की है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली थाना में चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अज्ञात चोरों की पताशाजी की जा रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि संजय नगर निवासी नीरज सोनी नामक युवक चोरी के कपड़े बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा है। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल नीरज सोनी को उसके घर से घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर उसने अपने नाबालिग साथी के साथ कपड़ा चोरी करना स्वीकार किया। दोनों के कब्जे से चोरी किए गए कपड़े को बरामद किया गया। शातिर चोर नीरज सोनी के विरुद्ध सिटी कोतवाली थाना में चोरी के कई अपराध दर्ज हैं। आरोपी युवक और बालक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।